दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक शॉर्ट स्टोरी को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है द ओल्ड मैन एट द ब्रिज। इसको लिखा था एक अमेरिकन जर्नलिस्ट अर्नेस्ट हेमिंगवे ने। 1938 में स्पेन में इसको लिखा गया था। 1938 में इसको पब्लिश करवाया गया था। जिस वक्त इसको पब्लिश करवाया गया था उस वक्त लिटरेरी पीरियड चल रहा था मॉडर्निज्म। इस शॉर्ट स्टोरी का पॉइंट ऑफ व्यू रखा है फर्स्ट पर्सन, एक सोल्जर के प्रस्पेक्टिव से इसको दिखाया गया है और इसकी सेटिंग रखी गई है स्पेन में। स्पेनिश सिविल वॉर के दौरान स्पेन में एक रिवर है एब्रून रिवर, उसके ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है, उसके ऊपर इसकी सेटिंग रखी गई है। दोस्तों, मेरे ख्याल से हम लोगों को इस शॉर्ट स्टोरी को डिस्कस करने से पहले इसका बड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जान लेना ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, ज़रा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग डिस्कस करते हैं इस स्टोरी को। अब दोस्तों, स्पेनिश सिविल वॉर शुरू हुआ था साल 1936 से, जब इटली और जर्मनी में मुसोलिनी और हिटलर का आतंक था और इस स्पेनिश सिविल वॉर ने पूरे यूरोप को प्रभावित किया था। यहाँ तक भी माना जाता है कि स्पेनिश सिविल वॉर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए स्टेज तैयार किया था। मतलब साल 1936 से साल 1939 तक ये चला था और साल 1939 में ही इसके थोड़े समय बाद में वर्ल्ड वॉर टू शुरू हो गया था। आई होप आप लोग समझ रहे हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कि स्पेनिश सिविल वॉर ने ही वर्ल्ड वॉर टू के लिए स्टेज तैयार किया था। अब इस शॉर्ट स्टोरी की शुरुआत होती है एक ओल्ड मैन से, एक बूढ़े आदमी से, जो कि एक ब्रिज के साइड में बैठ गया। वो बड़ा थका हुआ था, कमज़ोर था, बेचारा जान नहीं थी, उसके पूरे शरीर पर धूल लगी हुई थी। सारे लोग अपनी फैमिलीज़ और अपने सामान को साथ लेकर के ब्रिज को क्रॉस करने में लगे हुए थे, लेकिन वो बेचारा बड़ा थका हुआ था। वहाँ कुछ गांव वाले भी थे जो स्पेनिश सिविल वॉर को लड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए वो वहाँ से भाग रहे थे। ब्रिज के ऊपर से ट्रक्स जा रहे थे, कार्ट्स जा रही थी, कार्ट्स मतलब गाड़ियाँ होती है, कुछ लोग पैदल जा रहे थे। नरेटर यहाँ एक सोल्जर है दोस्तों, मतलब एक सिपाही जो अपने साथी सैनिकों के साथ मिलकर के कुछ गाड़ियों को धक्का दे रहा है। वो गाड़ियाँ लड़खड़ा रही थी ब्रिज पार करते वक्त, तो वो धक्का दे रहा था। तो नरेटर ब्रिज की दूसरी डायरेक्शन से वहाँ से आ रहा था, ये देखते हुए कि दुश्मन कितनी दूर है, मतलब दुश्मन कितना दूर पहुँचा। ब्रिज लगभग सारे लोगों ने पार कर ही लिया था, लेकिन वो बूढ़ा आदमी वहीं बैठा हुआ था, वो हिला तक नहीं, उसने मूव तक नहीं किया। नरेटर उस बूढ़े आदमी के पास गया और उससे बात करने लगा, तो उस बूढ़े आदमी ने प्राउडली बताया कि वो अपने नेटिव टाउन सैंड कार्लोस से आया है। ये बात बोलते हुए बूढ़ा आदमी बड़ा खुश था, उसके चेहरे पर एक स्माइल थी, शायद ये बात उसे खुशी दे रही थी ऐसा बोलते हुए कि मैं सैन कार्लोस से आया हूँ। उसने बताया कि वो लास्ट बंदा था जिसने अपने टाउन को छोड़ा, मतलब सबसे आखिर में उसने अपने टाउन को छोड़ा था, क्योंकि वहाँ ये अपने जानवरों की देखभाल करता था, जिसमें बकरियाँ, कबूतर और बिल्ली थी। इसके जानवर बकरियाँ, कबूतर और बिल्ली थी, लेकिन अचानक इसे वो जगह छोड़ करके भागना पड़ा। नरेटर उसकी बात भी सुन रहा था और साथ साथ ब्रिज को भी देख रहा था कि दुश्मन कहाँ तक पहुँचे। नरेटर ने उससे पूछा कि क्या आपकी कोई फैमिली है, तो उसने जवाब दिया कि मेरे पास मेरे जानवरों के अलावा कोई और नहीं है। वो बोला, मेरी बिल्ली तो अपना ध्यान रख लेगी, लेकिन बाकी जानवरों का क्या होगा। नरेटर ने उससे पूछा कि आपके पॉलिटिकल ओपिनियन क्या हैं। ओल्ड मैन बोला कि मैं 76 साल का बूढ़ा आदमी हूँ, 12 किलोमीटर चल के आया हूँ, मेरे पॉलिटिकल ओपिनियन कुछ भी नहीं है, मैं थक गया हूँ, मैं आगे नहीं जा सकता, ऐसा ओल्ड मैन ने जवाब दिया। नरेटर बोला, लेकिन चाचा ये सही जगह नहीं है बैठने को, यहाँ ये सही जगह नहीं है रुकने को, वो ट्रक आ रहा है, मैं आपको उसमें चढ़ा देता हूँ, आपको वो ट्रक बार्सिलोना छोड़ देगा। तो वो ओल्ड मैन बोला कि लेकिन मैं वहाँ जा करके क्या करूँगा, मैं तो बार्सिलोना में किसी को जानता भी नहीं हूँ। लेकिन फिर भी उस ओल्ड मैन ने सोल्जर को थैंक यू बोला, मतलब नरेटर को थैंक यू बोला। वो ओल्ड मैन बस अपने जानवरों के बारे में सोच रहा था कि बिल्ली तो अपना ख्याल रख लेगी, लेकिन बाकी जानवरों का क्या होगा। फिर नरेटर ने उससे पूछा कि क्या आपने कबूतरों के पिंजरे को खुला छोड़ा था, तो बोला हाँ। तो नरेटर बोला कि कबूतर तो फिर उड़ जाएंगे, चिंता मत करो। ओल्ड मैन बोला कि लेकिन बाकी जानवरों का क्या, बाकियों का क्या। नरेटर बोला, अभी उनको भूल जाओ, आप उठो और चलने की कोशिश करो। ओल्ड मैन ने ट्राई किया, लेकिन वो बेचारा चल नहीं पाया और वो फिर से बैठ गया और बोला कि मैं बस मेरे एनिमल्स का ख्याल रखता था, मैं अपने जानवरों का ख्याल रखता था, अब मेरे पास करने को कुछ नहीं है। अब हमारे नरेटर ने ऑब्जर्व किया कि ये ईस्टर संडे का दिन था, फासिस्ट एब्रो रिवर की तरफ बढ़ रहे थे, मतलब एनिमीज़ जो हैं वो एब्रो रिवर की तरफ बढ़ रहे थे, बादल घने थे, वो लोग अपने प्लेन्स को उड़ा नहीं सकते थे फासिस्ट। और स्पीकर एंड में बोलता है ये कहानी ख़त्म करते हुए कि बिल्ली अपना ख्याल खुद रख सकती है। ओल्ड मैन को इकलौती इसी बात से सेटिस्फेक्शन मिलता था कि बिल्ली अपना ख्याल खुद रख सकती है, बस यही एक गुड लक था उसके पास में। और इसी के साथ ये स्टोरी ख़त्म होती है दोस्तों।